पालक वाले हरे भरे चावल खाने से आपका पेट तो भरेगा पर मन नहीं भरेगा। तो शुरू करते हैं बनाना। मैंने 150 ग्राम चावल लिए हैं। इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था आधा घंटा पहले। 50 से 60 ग्राम हमें कुकिंग ऑयल चाहिए, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 50 ग्राम हरी मटर, 150 ग्राम पालक के पत्ते, अदरक का टुकड़ा छोटा सा, एक हरी मिर्च, एक टमाटर और पानी। फ्राई पैन में डालेंगे हम 4 कप पानी। चावल के हिसाब से हम 4 कप पानी डालेंगे। अगर सादे चावल बनाने हैं तो हम 1 कप चावल के साथ 2 कप पानी। अब डालते हैं फ्राई पैन में चावल और नमक और गैस की फुल फ्लेम पे इसको अच्छे से उबलने देंगे। जब तक चावल उबलते हैं तब तक हम पालक पीस लेते हैं। मिक्सी के जार में डालेंगे टमाटर काट के, अदरक, हरी मिर्च मैंने 1 यूज़ करी, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हो। अब इसमें डालेंगे हम पालक और पीस लेंगे। पालक हमें ज़्यादा महीन पीसी हुई नहीं चाहिए, दरदरी चाहिए। अब गैस पे रखेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल और जीरा। जीरा हल्का सा ब्राउन करेंगे। अब उसमें डालेंगे हल्दी और पालक वाला पेस्ट और भूनेंगे। अब इसमें मेरे पास फ्रेश मटर थे, फ्रेश मटर का सीजन है तो मैंने वो यूज़ किए हैं। आपके पास फ्रोजन हो तो फ्रोजन भी यूज़ कर सकते हो। चावल को भी देख लेते हैं। चावल हमें गले हुए नहीं चाहिए, बस चावल में 2-3 उबाल आने चाहिए। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है चावल का वो निकाल लेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें छोड़ देंगे। अब ये पानी वाले चावल हम डालेंगे पालक के मिक्सचर में और उबलने देंगे। गैस हमें एकदम कम नहीं करनी है, थोड़ा पानी रह जाए उसके बाद फ्लेम हमें कम करके और ढक के रखना है। कभी भी आप चावल बनाते हो तो उसको आधा घंटा पहले ज़रूर भिगोया करो। उसके बाद चावल बहुत अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं और स्वादिष्ट भी बनते हैं। और जब भी आप पुलाव या पालक वाले या कोई भी आप चावल बनाते हो तो हमेशा 2-3 बार उबाल के और उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के माड़ वाला फिर बनाएं तो चावल आपके स्वादिष्ट बनेंगे। और डायबिटीज़ वालों के लिए तो ये चावल बहुत अच्छे होते हैं। चावल का पानी सूख गया है, अब इसको हम ढक के रखते हैं 5 मिनट के लिए ताकि चावल हमारे सॉफ्ट हो जाएं और एक्स्ट्रा पानी सूख जाए। अब एक्स्ट्रा पानी भी सूख गया है, अब इसको चेक कर लेते हैं। चावल भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब गैस की फ्लेम बंद करके हम 5 मिनट और रखेंगे चावलों को, हल्का सा ठंडा करेंगे, उसके बाद सर्व करेंगे तो आपके चावल खिले खिले और बहुत अच्छे बनेंगे। लीजिए, तैयार है पालक के हरे भरे चावल। तो इसी तरीके से आप बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसे लगे। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।